हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं विभा उपाध्याय एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं अपने नेटवर्किंग के कैरियर में इतने लोगों से मिलती हूँ। आज मेरे पास एक कॉल आई, उन्होंने पूछा मैडम आप क्या करते हो। उन्होंने कहीं से मेरी पोस्ट देखी, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उनको बताया कि मैं मोदी के में सीनियर डायरेक्टर हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने कहा कि मैडम सॉरी, मैंने समझा कि कोई और बिजनेस है। मैंने समझा कि कोई ऑनलाइन बिजनेस है या फिर ऑफलाइन बिजनेस है, मुझे मोदी केयर नहीं करना। मैंने कहा क्यों भाई, आप मत करना, आपकी मर्जी, लेकिन आखिर ऐसा है क्या, क्या मैं जान सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैडम मैंने किया था पर मैं सक्सेस नहीं हो पाया। अब मेरी उनसे बात हुई काफ़ी देर तक, लगभग 40-50 मिनट तक। तो मैंने बोला आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आप सक्सेस नहीं हो पाए। मैं यहाँ पे सक्सेस हूँ, मेरे साथ आए हुए लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग अलग प्लेनेट से आए हुए हैं। हम सब आपके ही बीच से तो हैं। हाँ भाई, हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, तो काम अच्छा हो रहा है। फिर मैंने उनसे काफ़ी बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि मैडम मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने ना 20 दिन तक काम किया। अब बताओ 20 दिन तक काम किया मैंने, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इनकम नहीं आई। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 20 दिन तक काम करके वो कितना आगे जा सकते हैं। सोचने की बात है, अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चों को आप किसी स्कूल में एडमिशन कराते हो, 20 दिन में वो कितना सीख लेता है। वो अल्फ़ाबेट्स भी नहीं सीख पाता है 20 दिन में। तो फिर आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि मैंने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो 20 दिन में आपको हर वो चीज़ दे देगी जिसकी आपको ज़रूरत है। अब ये तो सोचने वाली बात है ना कि आप यहाँ पे क्या सिस्टम आपको समझ में आया। दोस्तों, पहले जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले आपको सीखना होता है, लर्निंग। भाई जब आप लर्निंग करोगे तभी तो आप अर्निंग कर पाओगे। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे उस सज्जन से बात हुई, बात करते करते वो राजी हो गए, बोले मैडम। फिर मैंने उनको उनकी कमियां दिखाई थोड़ा सा कि भैया आप कहीं भी जब ज्वाइन करते हो तो पहले तो आपको सीखना होगा। आप 20 दिन में कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप किसी भी निर्णय पे कैसे जा सकते हो कि 20 दिन में आप सफल नहीं हुए। आपको कुछ दिन का टाइम लेके चलना होगा ना। सबसे पहले आप अपना काम करो, सिस्टम से काम करो, फिर आप सफल होगे कैसे नहीं। फिर वो लगे वो कमियां गिनाने की, हाँ मेरा प्लान सही नहीं था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, हो सकता है आप मुझे गाइड करो तो मैं अच्छा कर पाऊँ। फिर उन्होंने मुझे मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स की, तो उनसे अभी है मेरी अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि हम सिस्टम में आ तो जाते हैं, हमें पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब इसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत खूबसूरत कंपनी है मोदी केयर। लेकिन मोदी केयर में हमें किसी ने बताया और हमने ज्वाइन कर लिया। चूंकि यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत झट से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उसके आगे के प्रोसेस का क्या, जब आप आगे का प्रोसेस समझेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो आप काम कैसे कर पाएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज़ बता दो जो बिना प्रैक्टिस के हो सकती है, कोई भी ऐसा काम जिसकी आप प्रैक्टिस ना करें और वो काम हो जाए और वहाँ पे आप लाखों की इनकम करें, हो सकता है क्या। सीधी सी बात है, नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम सिस्टम में आते हैं, अगर हमें किसी ने ज्वाइन करवाया है, कोई अपलाइन है हमारे पास, एक तो इतना खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग कि यहाँ पे आपको उंगली पकड़ के सिखाया जाता है। जो भी आपको इस सिस्टम में लाया है वो सोचता है कि आप जल्दी से जल्दी कितना अच्छा सीख लें, यानी कि आप ट्रेंड हो जाएं। आप यहाँ पे लीडर बनने आए हैं, आपको खुद से खुद की ओनरशिप लेनी होगी।
जब आप सीखेंगे ही नहीं, जब आप सिस्टम ही नहीं समझेंगे, तो फिर आप काम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप एक निगेटिविटी लेंगे और आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया, सबसे पहले तो आप उससे सिस्टम समझिए कि भाई यहाँ पे काम करने का क्या तरीका है। अगर आप लोग सफल हो तो आप लोग दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं हो। जाहिर सी बात है, आप कर रहे हो, जब आप कर रहे हो तो हम कर सकते हैं। तो बैठिए और सीखिए कि कंपनी का ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करिए। जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपको पसंद आएंगे प्रोडक्ट, तो फिर अपने आप शेयर होने लगेंगे। फिर शेयरिंग का प्रॉपर तरीका आप समझेंगे कि कैसे हमें पहले यूज़ करना है, फिर हमें शेयर करना है, फिर कंपनी का प्लान सीखेंगे, कंपनी को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, आप वो सीखेंगे। जब आप सीख के एक सिस्टम के तहत काम करोगे तो 100% काम होगा। मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो 20 दिन में किसी कंपनी को जज करते हैं। आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई बिजनेस करते हो, पूरी लाइफ करते हो, कितना कमा लेते हो, कितनी इनकम आ जाती है एक इंसान की? चलिए छोड़िए बिजनेस एक तरफ, अगर कोई आदमी काम कर रहा है, वो सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, 10 घंटा काम कर रहा है, बावजूद इसके क्या उसके सपने पूरे हो पा रहे हैं? जाहिर सी बात है, उसके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर हम 20 दिन में कैसे जज कर सकते हैं? हम सबसे पहले जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें सिस्टम समझना है। सब लोग कहते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, लेकिन आखिर है क्या ये सिस्टम? तो सिस्टम वो है जो कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है। कंपनी सबसे पहले कहती है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको उन प्रोडक्ट से आपको फ़ायदा हुआ है, आपकी सेहत अच्छी हुई है, तो आप चलते फिरते डेमो हैं। आपको देख के लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, जब आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी सेहत धीरे धीरे सुधर रही है, तो लोग भी यूज़ करेंगे। और अगर आपके अपने लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, एक और सवाल आता है कि हमारे पास लोग नहीं मिल रहे। अब आप बताइए, 130 करोड़ की जनसंख्या में क्या लोगों की कमी है? लोगों की कमी नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं। हमें सबसे पहले सिस्टम फॉलो करना है, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, उसके बाद हमें खुद से खुद की ट्रेनिंग करनी है। आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रही है, जब कंपनी इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करवा रही है, तो हमें क्या करना है? हमें ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ जाना है। आपके अपलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आप अपने लोगों को ला रहे हो, आप अपने लोगों को अपलाइन की मीटिंग से कनेक्ट कर दो, आप खुद भी अपलाइन की मीटिंग से कनेक्ट रहो। सीधी सी बात है दोस्तों, जब आप ही नहीं सीखोगे तो आप जिनको ले के आएंगे सिस्टम में, वो कैसे सीखेंगे? वो नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है सिस्टम। जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे, आपको देख देख के लोगों को भरोसा होगा कि हाँ, आप जिस राह पे हैं वो सही रास्ता है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपके लोग भी आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर वो किसी जॉब में होंगे तब भी वो इस काम को करना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छी इनकम ले रहे होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है आपसे। कहते हैं या तो लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो के सीख लो, या फिर खुद में इतनी काबिलियत रखो कि आप जहाँ खड़े होते हो लाइन वहीं से शुरू हो जाए। तो दोस्तों, या तो आप किसी की काबिलियत का हिस्सा बन जाओ, वहाँ जाके ट्रेनिंग सिस्टम एडॉप्ट कर लो, आप सीख लो, या फिर खुद में, खुद से खुद की इतनी प्रोग्रेस कर लो, खुद में इतने ट्रेंड हो जाओ कि आपको देख के लोगों को लगे कि भाई, इस बंदे में कुछ तो खास बात है, इसने कुछ तो ऐसा किया है कि इसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, इसकी इनकम अच्छी हो गई, लोगों में इसकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो रही है, लोगों में अच्छी पहचान बन गई। तो दोस्तों, यहीं पे बात आती है कि ये सब होगा तब जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कंपनी को ज्वाइन करने के बाद हम 20 दिन में बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। हमें कुछ दिन टाइम लेके चलना होता है।
हम पहले कंपनी के सिस्टम को समझेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंपनी के पूरे सिस्टम को समझेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। प्रोडक्ट यूज कर लिया, चलो प्रोडक्ट नो डाउट अच्छे हैं, अब हमें शेयरिंग कैसे करनी है, फिर हम शेयरिंग करना सीखेंगे, फिर हम कंपनी के प्रेजेंटर बनेंगे, अच्छे प्रेजेंटर। ये नहीं कि हमने ज्वाइन कर लिया अब हम आराम से बैठ गए, अब अपलाइन आएगा प्लान दिखाएगा, हम अपने लोगों को बुला लेंगे। भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अपलाइन है, लेकिन फिर भी अगर वो बार बार मीटिंग करेंगे, ग्रोथ किसकी होगी? ग्रोथ उनकी होगी, क्योंकि वो बोल रहे होंगे, वो प्लान दिखा रहे होंगे, वो प्रेजेंट कर रहे होंगे अपनी कंपनी को, तो जाहिर सी बात है बोलना भी उनको अच्छा आएगा, पर्सनालिटी भी उनकी डेवलप होगी, फेमस भी वही होंगे। जिस दिन आप शुरू करोगे ना आप, उस दिन आपके सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए सबसे बेहतर प्लानर बनना होगा आपको, सबसे बेहतर प्रेजेंटर बनना होगा आपको। नहीं टाइम है, आप किसी जॉब में हैं, आपको लग रहा है कि जो लोग फ्री हैं वो लोग इस काम को बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, आप अपना आधा घंटा निकालिए, आप अपना एक घंटा निकालिए, जो भी टाइम आपको सूट करता हो। इतना सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है कंपनी का, आप उसको सीखिए, उसको समझिए कि हमें कैसे करना है। जिस दिन दोस्तों आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन गए, आप खुद से खुद की प्लानिंग करने लगे, आपकी प्रोग्रेस को कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें अपनी कंपनी का सिस्टम कैसे हम फॉलो करें, और कैसे हम उस सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़ें। तो दोस्तों आप मुझे यकीन दिलाइए कि आप बिल्कुल भी 20 दिन में जज नहीं करेंगे। जब आप किसी भी कंपनी के साथ ज्वाइन करते हो, जब आपको पता है कि हाँ मोदी केयर बेस्ट है, तो आप अपना बेस्ट दो ना, आप फिर क्यों सोच रहे हो? जब सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, सारे लोग सफल हो रहे हैं, चल पड़ो उसी राह पे जिस राह पे लाखों लोग जा रहे हैं। जब लाखों लोग जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे रास्ता है। खुद में बिलीव करिए, कंपनी पे बिलीव करिए और चल पड़िए। तो दोस्तों मैं विभा उपाध्याय मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।